इधर मोदी सरकार के 2018 के बजट पर सबकी निगाहें हैं। हर तबका अपने अपने लिए कुछ ना कुछ उम्मीदें कर रहा है क्योंकि आम चुनाव से पहले का मोदी सरकार का ये आखिरी बजट है। देश का युवा तबका युवा केंद्रित बजट की उम्मीद कर रहा है। मोदी सरकार क्या देती है ये देखना होगा। आज पेश हो रहे आम बजट से देश के युवा वर्ग ने भी ढेर सारी उम्मीदें लगा रखी हैं। एजुकेशन लोन, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, सर्व शिक्षा अभियान समेत कई क्षेत्रों के लिए देश का युवा वर्ग मोदी सरकार के इस आखिरी बजट की ओर टकटकी लगाए देख रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी के इन छात्रों का कहना है कि यंग इंडिया के लिए मोदी सरकार के इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। छात्रों का कहना है कि शिक्षा का बजट बढ़ना चाहिए, इसके अलावा नौकरियों के नए अवसर मिलने चाहिए। कि 4 लाख वैकेंसीज गवर्नमेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में वैकेंट हैं, तो मैम उनको गवर्नमेंट को फुलफिल करना चाहिए। मैम रेलवे में बहुत सारी वैकेंसीज पड़ी हुई है, उनको मतलब वो करना चाहिए। साल से देश आज़ाद हुआ है तो अब तक उम्मीदें ही हैं। मैं चाहता हूँ कि अब सरकार बदली है, देश बदला है तो माहौल भी बदला है, और मोदी सरकार को चाहिए कि सिर्फ बजट की उम्मीदें ही ना लगाएं, लोग कुछ ना कुछ उम्मीदों से पे खरा भी उतरें। छात्रों का कहना है कि आज़ादी के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तरह के बड़े सुधार होने चाहिए थे, लेकिन आज भी इस क्षेत्र में सरकार को बहुत कुछ करने की जरूरत है। महिलाओं की जो है वो पुलिस स्टेशन में भर्ती हैं, और इसके लिए जो है वो जो ये जो मिनिस्ट्री होती है विमेन एम्पावरमेंट की जो मिनिस्ट्री, इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बजट दिया जाए ताकि वो अच्छी पॉलिसीज जो है वो महिलाओं के लिए बनाए। जो एजुकेशन है उसका बजट इंक्रीज होना चाहिए, और अगर अपना एजुकेशन सिस्टम और अपनी हेल्थ जो है देश की अच्छी हो तो वो एक बैकबोन मानी जाती है देश की, वो सब कुछ अच्छा हो जाता है। सो एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर, और सबसे बड़ा इशू जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस तरीके से हल हो सकती है, अगर हम इंडस्ट्री को उठाएं, इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करें तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होगी। सो मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में रेणुका मेडिकल की छात्रा है। रेणुका ने इसी साल BDS कंप्लीट किया है। आज पेश हो रहे बजट से रेणुका और उनके दूसरे साथियों को मेडिकल के क्षेत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली से बड़े सुधार की उम्मीदें हैं। Being in a medical field, I would like my first priority is medical line में जाता होना चाहिए expenditure, because हर बार बोला जाता है होता नहीं है, and I hope this time we could see that, क्योंकि अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी हैं, lot of people have a lot of hope from him, so let's see. BJP is here this time. अब जैसे हमारे यहाँ पे जो है ओल्ड टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है, तो मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर खर्च हो, जैसे कि नई जो टेक्नोलॉजीज है प्राइवेट सेक्टर में जाओ तो वहाँ ज़्यादा वो होता है। हमारे कॉलेज में हमें 20-20 साल पुरानी चीज़ें मतलब वो हैं, तो उसको रखते हुए मैं चाहती हूँ कि नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजीज, मशीन्स वगैरह इम्प्रूवमेंट हो, बाकी सब चीज़ें थोड़ा तो मतलब इस चीज़ पर होना चाहिए बजट में। शिमला में ही रहने वाले अभिमन्यु फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अभिमन्यु ने भी दूसरे युवाओं की तरह आज के बजट से खास उम्मीदें लगा रखी हैं। जो हमारी सरकार है उसको GDP का 30% जो है एजुकेशन के ऊपर खर्च करना चाहिए, क्योंकि जो एजुकेशन है, शिक्षा जो है, हम लोग विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, तो शिक्षा को बेहतर बनाए बिना जो है हम लोग विश्वगुरु नहीं बन सकते। पंजाब और हिमाचल की तरह झारखंड की राजधानी रांची में भी युवा आज वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के छात्र स्कूल फीस ना बढ़ाने और कोचिंग पर लगने वाले GST को कम करने की उम्मीद सरकार के इस बजट से कर रहे हैं। वी रियली वांट कि हम लोग को ज्यादा प्रायोरिटी मिले एंड देयर शुड बी रिजर्व्ड फंड्स फॉर यू नो फॉर एजुकेटिंग स्टूडेंट्स लाइक इन स्कूल्स प्लस इन कॉलेजेस। ट्यूशन पे GST लगा दिया गया, फीस में कोचिंग सेंटर में जैसे जाते हैं तो बस एक्स्ट्रा GST लगा दिया, बोलते GST लग गया, क्लोथ में बहुत सारे क्लोथ में GST लगा, थोड़ा GST में कम किया जाए। आई वुड वॉन्ट कि वो सारा जो भी अपना डिसीजन वगैरह उस चीज को लेकर के जो भी वो लेंगे बजट को लेकर के, उनको ध्यान ये भी रखना चाहिए दैट वी आर स्टूडेंट्स एंड वी डोंट अर्न राइट नाउ, वी आर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के भी उनको बजटिंग बनाना चाहिए। देश में बढ़ती बेरोजगारी से निपटना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। रोजगार का आंकड़ा मोदी सरकार के लिए इस बजट में बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। हालांकि नौकरी की तलाश कर रही युवाओं की उम्मीद मोदी सरकार के बजट से कायम है। चंडीगढ़ से नितिका महेश्वरी और रांची से कुमार चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो बजट को लेकर सबसे ज्यादा चिंता महिलाओं को हो रही है, क्योंकि उन्हें रसोई से लेकर पूरी गृहस्थी का बजट बनाना पड़ता है। देश हित में आज कश्मीर से दिल्ली तक घर का बजट बनाने वाली महिलाओं की बात सरकार और जनता दोनों को सुननी चाहिए। वित्त मंत्री से क्या चाहती है देश की गृहिणी? मोदी के बजट से क्या मांगे इंडिया? मोदी सरकार के बजट पर पूरे देश की नजरें लगी हैं और सबसे ज्यादा धड़कनें बढ़ी हैं महिलाओं की। दिल्ली से कश्मीर तक बजट पर महिलाओं की स्पेशल डिमांड के बारे में आपके लिए, देश के लिए और सरकार के लिए जानना जरूरी है। किचन में जो LPG है वो थोड़ी मतलब अभी कॉस्टली है, वो पैक मतलब उसके रेट कम हो जाएं। डे बाय डे इतनी सैलरी अपग्रेड नहीं बढ़ रही है हमारी, और किचन की जो है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं LPG के साथ में जो महंगी होती जा रही हैं। हम लोग सोच रहे थे दिन अच्छे आएंगे, पर हर दिन रेट्स बढ़ रहे, उसके साथ साथ पेट्रोल के रेट्स बढ़ते हैं तो 2-3 रुपये से बढ़ते हैं, कम होते हैं तो पैसों में कम होते हैं, जिसकी वजह से रेट्स एक्चुअली कम नहीं होते, जिसका हाल ट्रांसपोर्ट हम लोग का बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्ट बढ़ता है तो ऑब्वियसली अपना सब्जी है, बाकी सब घर का जो मटेरियल है उसका रेट्स भी बढ़ रहा है, तो बजट मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया है। हो रहा है जैसे कि कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए अगर बच्चों के साथ बाहर जाना होता है तो वो चीज़ थोड़ी सी अभी कम होती जा रही है। जैसे कभी मॉल में जाना है तो वहाँ पे हम लोग को टैक्स पे करना है, किसी मूवी देखना है तो वहाँ पे टैक्स पे करना है, इवन किसी मॉल में शॉपिंग करनी है तो भी टैक्स पे करना है, होटलिंग करनी है तो भी टैक्स। जनता ने तो अपनी जेब के हिसाब से डिमांड कर दी, अब देखना ये होगा कि सरकार का बजट जनता की जेब को कितनी राहत देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुल बजट का करीब 10% हिस्सा पिछली बार शिक्षा पर खर्च किया गया था, अब इस बार क्या शिक्षा पर किए जाने वाले खर्च को बढ़ाया जाएगा? छात्र क्या कह रहे हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली से, छात्रों की क्या उम्मीदें हैं बजट से, ये देखिए। पिछले साल के बजट में सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए पैसा बढ़ाया और कुल बजट का 9.9% हिस्सा इस सेक्टर के लिए तय किया था। इसके बावजूद इस सेक्टर की तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है। सरकारी स्कूल की टीचर्स चाहती हैं कि सरकार स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे, थोड़ा सा ऐसी पॉलिसी लाए गवर्नमेंट कि जहां की बिल्डिंगें खराब हैं, जैसे हमारे विद्यालय की बिल्डिंग है और हम प्रस्ताव भी दे चुके हैं कई बार कि हमारे कमरों का निर्माण हो, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि ये करे पहले गवर्नमेंट। 2017-18 के केंद्रीय बजट में मोदी सरकार ने एजुकेशन सेक्टर को 79,686 करोड़ रुपए आवंटित किए। इसमें स्कूली शिक्षा के लिए 46,356.25 करोड़ और बाकी की रकम उच्च शिक्षा के लिए दी गई। कुल बजट की 9.9% हिस्सेदारी देखने में भले ही प्रभावी लग रही हो, लेकिन असल तस्वीर उतनी अच्छी नहीं है। छात्र ही देश का कल है, भविष्य है, लिहाजा सरकार का फोकस इस दिशा में होना बहुत जरूरी है। सुनिए छात्र क्या चाहते हैं इस बजट से। हमने क्वालिटी ऑफ टीचिंग इम्प्रूव करने में एक्सपेंडिचर करना चाहिए, हमने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने चाहिए जिसमें टीचर्स को सीखने मिले कि उन्होंने किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है। जैसे जैसे R&D बूस्ट होगा, एजुकेशन बूस्ट होगा तो बच्चों का टेक्निकल नॉलेज बढ़ेगा तो मेक इन इंडिया स्कीम और जो स्किल डेवलपमेंट स्कीम है जो नरेंद्र मोदी जी ने दी है उसमें काफी परसेंटेज से बच्चों में बढ़ावत होगी। जैसे कि स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज हुआ करते हैं, वो अपना इनोवेटिव आइडियाज का इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो उनको प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स होना चाहिए, उनको एडवांस इक्विपमेंट्स मिलना चाहिए जो कि नहीं मिल पाते, तो इस बार के बजट में इन सब चीजों का डेवलपमेंट होना चाहिए। कि हमारे देश के जो इंजीनियर्स है वो अनएम्प्लॉयड है तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एजुकेशन मिलना चाहिए, कि उन्हें जो एजुकेशन मिल रहा है वह प्रॉपर क्वालिटी का है या नहीं, इसके लिए हायर अथॉरिटी से प्रॉपर सर्विलियंस होना चाहिए और हायर अथॉरिटी ऑफिसर्स का स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्शन होना चाहिए जिससे पता चलेगा कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो बराबर है या नहीं। स्पोर्ट्स डे हो रहा है तो सडनली आउट ऑफ नोवेयर एक दिन स्पोर्ट्स डे हो जाता है, बट स्पोर्ट्स के लिए पूरा साल भर ऐसा कुछ फंड्स या अरेंजमेंट्स नहीं हो पाते हैं जिसके वजह से आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर पाओ। दूसरे देशों के मुकाबले एजुकेशन सेक्टर में भारत का खर्च कम है,
एजुकेशन सेक्टर के हालात का सबसे अधिक खामियाजा ग्रामीण भारत को उठाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो घर का बजट हाउसवाइफ ही चलाती है, घर का एक एक पैसा गृहिणी के हाथ नहीं होता है और वो खर्च करती है और बचत की जिम्मेदारी भी उसी पर होती है। ऐसे में महंगाई बढ़ जाए तो सबसे बड़ा सिरदर्द एक आम गृहिणी को ही होता है। महंगाई से जूझती गृहिणियों की कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। हर घर की गृह मंत्री गृहिणी ही होती है। कोलकाता की रहने वाली संगीता जैन जेब के बजट को ध्यान में रखकर किचन के सामान की खरीदारी कर रही हैं। उनका कहना है कि महंगाई की वजह से बजट गड़बड़ हो गया है, दाल सब्जी सब कुछ महंगा हो गया है। दाल के भी दाम बढ़े हैं, तेल के, सब घी के, सबके दाम बढ़े हैं। तो आपको बजट से कोई एक्सपेक्टेशन अगर चावल दाल के दाम अगर कम की? हाँ, कम, जैसे 18 से 12 कर देना चाहिए उस GST ये सब, और पेट्रोल का दाम कम कर देना चाहिए, नहीं तो आधा तो टैक्स में चल जाता है। पश्चिम बंगाल में मछली की खपत बहुत होती है। कोलकाता की ही शंपा दत्त का बजट फिश मार्केट में आकर बिगड़ गया है, क्यों खुद उन्हीं से जानिए। मछली तो हम एवरी डे हमको बने जरूरी होता है और मछली में प्रोटीन भी ज़्यादा है, मगर मछली का प्राइस दिन के दिन बढ़ जाते हैं, इसीलिए तो प्रॉब्लम है। शॉर्कर माछ का प्राइस, फिश का प्राइस थोड़ी कम करे तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा। सरकार LPG सिलेंडरों से सब्सिडी पूरी तरह खत्म करना चाहती है, इस बात को लेकर भी नाराजगी है। सिलेंडर का दाम जेब पर सबसे ज्यादा भारी पड़ रहा है। सरकार LPG गैस में भी सब्सिडी बंद कर दिया, तो हम चाहते हैं उसको बढ़ाने के लिए सब्सिडी, तो सब कुछ दाम कम हो जाए थोड़ी, तो हमारा किचन चलाना और भी आसान हो जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली और प्रधानमंत्री मोदी गृहिणियों की कौन कौन सी बातें सुनकर उन पर अमल करेंगे, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। कोलकाता से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वित्त मंत्री अरुण जेटली से आज देश का हर नागरिक अपने लिए कुछ ना कुछ चाहता है। जेटली की पोटली में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। वित्त मंत्री को बहुत सारे सुझाव दिए जा रहे हैं, अब वित्त मंत्री किस किस से की बात सुनेंगे ये देखना भी बाकी है। आज 1 फरवरी के दिन वित्त मंत्री अरुण जेटली को देश के 125 करोड़ लोग सलाह भी दे रहे हैं और उनसे उम्मीद भी लगाए बैठे हैं। बेंगलुरु की रहने वाली मेहनाज लेखिका भी हैं और अपना प्रोडक्शन हाउस भी चलाती हैं। उनका कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को अगर सरकार सही मायने में कामयाब करना चाहती है तो फिर घर में बेटी पैदा होते ही सरकार उस घर के प्रमुख को तुरंत टैक्स में राहत दे दे। और सबसे ज्यादा एक आंदोलन हो जाएगा इस कंट्री के अंदर, एक रेवोल्यूशन हो जाएगा। मेरी हाथ जोड़कर जेटली जी से एक रिक्वेस्ट है कि जिस घर में बेटी पैदा हो उस कर्ता ऑफ द फैमिली के सैलरी या बिजनेस के अंदर टैक्स डिडक्शन मिले तो वो खुशी से कहेगा कि लक्ष्मी आई है, क्योंकि लक्ष्मी बची है। थैंक यू सो मच। लेकिन बड़ा सवाल बरकरार है कि क्या नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छे दिन आएंगे। सूत्रों के मुताबिक बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है, 10% के टैक्स स्लैब की वापसी हो सकती है। अभी 5% के बाद सीधा 20% का टैक्स स्लैब है। 80C में छूट बढ़ाकर 1.5 लाख से 2 लाख की जा सकती है। टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की जा सकती है। नौकरी पेशा लोग उम्मीद कर रहे हैं कि टैक्स स्लैब बदल जाए और उन्हें कुछ राहत मिल जाए। 0 से 3 लाख रुपए के वेतन वालों कोई टैक्स नहीं देना होगा। सालाना 3 से 5 लाख रुपए कमाने वालों के लिए 5% का टैक्स स्लैब हो सकता है, जबकि 5 से 7.5 लाख रुपए की आय वालों के लिए 10% का टैक्स स्लैब हो सकता है, जबकि 7.5 से 10 लाख रुपए सालाना कमाने वालों को 20% टैक्स स्लैब के दायरे में रखा जा सकता है, और 10 लाख से ऊपर की आमदनी वालों के लिए 30% का टैक्स स्लैब हो सकता है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वित्त मंत्री टैक्स स्लैब में कुछ राहत जरूर देंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली से एक गुजारिश ये भी की जा रही है, पैड सैनिटरी नैपकिन पर, सैनिटरी नैपकिन के ऊपर आप लोगों ने जो इतना भारी टैक्स लगाया है GST, उस पर से बिल्कुल तरीके से हट जानी चाहिए, ये मेरी गुजारिश है। देश अब टकटकी लगाए 11 बजने का इंतजार कर रहा है जब वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
कर्ज के बोझ से दबे किसानों के लिए इकोनॉमिक सर्वे एक और बुरी खबर लेकर आया है। सर्वे के मुताबिक क्लाइमेट चेंज से अगले साल खेती में 25% तक नुकसान हो सकता है। ऐसे में किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य पर काम कर रही मोदी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि एग्री सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ सावधानियों से क्लाइमेट चेंज का भी मुकाबला किया जा सकता है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। सरकार 2022 तक किसानों की आय कैसी दोगुनी करेगी, इस सवाल का जवाब आज वित्त मंत्री अपने बजट में दे सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे से ये बात तो साफ हो गई है कि सरकार किसानों को लेकर फिक्रमंद है, लेकिन इसके उपाय क्या होंगे, इसका जवाब तो वित्त मंत्री ही देंगे। In agriculture, there are short-term challenges, there are medium-term challenges, and you know, the climate change is a medium-term challenge. And I think there, the key thing is that we need to have mechanisms that will prevent farmers against the downside. Economic survey में इस बात की आशंका जताई गई है कि लगातार बदलते मौसम, यानी climate change से अगले साल खेती को 25% तक का नुकसान हो सकता है। अगर ऐसा हुआ, तो किसानों की आमदनी दुगनी होने के बजाय कम हो जाने का डर है। लक्ष्य बड़ा है और चुनौतियां भी कम नहीं है। सरकार ने साल 2020 का लक्ष्य रखा है कि वो किसानों की आय दोगुनी कर देगी, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में एक चिंता भी जता दी है कि मौसम की मार की वजह से किसान और खेती में काफी नुकसान होने वाला है और 25% फसलों का नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली ये खेती, ये कैसे विकसित होती है और किसानों की कमर टूटने से कैसे बचती है, ये देखना होगा। सरकार के लिए चुनौतियां है। पिछले 3 साल में अरहर, आलू, गन्ना, सोयाबीन, मूंगफली से लेकर आलू प्याज की पैदावार बढ़ने के बावजूद किसानों को उसकी लागत नहीं निकल रही है। किसानों ने इस बार खरीफ और रबी दोनों फसल के लिए फूंक फूंक कर कदम रखे हैं। एक अनुमान के मुताबिक क्लाइमेट चेंज से किसानों को 3,600 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। क्लाइमेट चेंज जो है क्राप के जो विकास के होता है उसके दर को निर्धारित करता है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्राप का जो मेनली है उसका जो ग्रोथ ड्यूरेशन होता है वो कम हो जाता है। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं और उसी की बात इकोनॉमिक सर्वे में भी कही गई है, उसके कारण ये जो 700 लाख हेक्टेयर ज़मीन है जो जिसमें इरीगेशन का कोई कनेक्शन नहीं है, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है और उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। किसानों को भारी नुकसान की आशंका के बीच उनकी आय दोगुनी करने की कोशिश मोदी सरकार के लिए आसान काम नहीं होगा। वित्त मंत्री को इनके बीच बैलेंस बनाना शायद बजट की सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। सुमन अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।